खरगोन जिले के वरिष्ठ पत्रकार नीरज जोशी के असामयिक निधन पर खरगोन के श्रीराम धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर पत्रकारों ने स्वर्गीय जोशी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही 2 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्मा की शांति का ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान विधायक रवि जोशी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जोशी ने बहुत कम समय में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर पत्रकारिता को एक मुकाम दिया था, इनकी कमी निकट भविष्य में संभव नहीं हो सकेगी। इस दौरान मनोज रघुवंशी, पूर्ण ठाकुर, अजीजुद्दीन शेख, मुकेश ठक्कर आदि पत्रकार साथी मौजूद थे, जिन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। पत्रकार संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नीरज की यादों को तरोताजा करने के लिए जब भी कोई आयोजन होंगे, जब भी कोई जरूरत होगी, हम साथ रहेंगे। बड़े लोगों को साथ रखना, आज की घड़ी में करते हुए हमारे बहन का जो भी बहुत कम समय में हमारे हिस्से चले गए, मैं उन्हें श्रद्धा से अर्पित करता हूँ। जो वो बोलते हिंदी उनका विकास करता हूँ। जैसे निगर भी आप हमारे बीच में नहीं है, मैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से दशाश्रीमानी समाज लोटरी और जैसे सभी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस विपत्ति की घड़ी में प्रभु संयम दे, शक्ति दे, ओम शांति। और आदरणीय बात होती है उसका हमें सबको पालन भी करना है, क्योंकि जो सपने थे हमें उनको पूरा करना है। ढेर सारी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरे परिवार को इस सबकी। मेरी इच्छा है कि उनके नाम से एक खेल का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाए बच्चों को, या पत्रकारिता के नाम से किसी पत्रकार को सम्मान दिया जाए। वो हमारी ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पत्रकार परिवार की ओर से उसी परिवार को प्रोत्साहन करने की शक्ति प्रदान करें इस पर से यही कामना करता हूँ। ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।